फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सिंपल सा पटियाला सलवार का मोहड़ी पोचा डिजाइन बनाकर बताऊंगी। तो जिसके लिए ये हमने 1.4 इंचेज बकरम कट किया हुआ है। नीचे से फैब्रिक में हमने स्टिच कर लिया है इस टाइप से, यहाँ हाफ हाफ इंच पकड़ के। अब हम नीचे सलवार में ज्वाइंट करते हैं। तो पहले हम इस तरीके से लेकर एक कच्चा सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने इसमें स्टिच कर लिया हाफ हाफ इंच पकड़ के। अब क्या करना है, इसको हमें पलट लेना है सीधी साइड की ओर और एक हम लास्ट में कच्चा सिलाई लगा देंगे। तो वो कच्चा सिलाई पहले हम लगा लेते हैं, चाहे तो आप पक्का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक लास्ट में नीचे की तरफ सिलाई लगा लिया है। अब इसके जस्ट हाफ इंच बाद हम सिलाई लगाएंगे एक और। तो हम जस्ट बाद एक सिलाई और लगा ले रहे हैं। इसी तरीके से एक लाइनिंग और लगा लेंगे। अब इसके अंदर ये और ये सिलाई के अंदर एक हम लहरिया बनाते हैं। तो वो देखिए, इसी तरीके से पूरे को चलाएंगे। तो इस तरीके से हमने नीचे की बना ली है। अब इसको हम इस टाइप से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम एक सिलाई लास्ट में चला लेंगे बिल्कुल किनारा करते हुए। तो हमने बिल्कुल किनारा करते हुए एक सिलाई इधर लगा के इसको पलट लिया। अब जस्ट इसके पास इसी तरह एक और सिलाई लगाएंगे। ये बहुत इजी है, ये बिगनर्स के लिए है जो डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं पोचा मोहड़ी में। चला लेते हैं। और इसके अंदर भी हम लहरिया बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ऊपर नीचे की कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, बीच में जो डिज़ाइनिंग बनानी है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इसमें बर्फी बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए वो पहले हम मार्किंग कर लें। तो पहले हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे इस तरीके से ये, और छोटे छोटे बर्फी पहले हम बना लेंगे बिल्कुल बारीकी करते हुए।
इस तरीके से हम पूरे को लाइनिंग कर लेंगे बर्फी स्टाइल से। बहुत सिंपल है बनाना, बहुत ही खूबसूरत लगेगी बनने के बाद। देखिए इस तरीके से हमने एक लाइनिंग ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम एक बार इधर से मिलाएंगे, इस तरीके से इसको मिलाते हैं छोटी छोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरे को ड्रॉ कर लिया। जैसे जैसे ड्रॉ किया बस उसी पे सिलाई लगाना है, तो चलिए सिलाई लगाते हैं, डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये लाइनिंग हमने ड्रॉ किया है बस उसी पे हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से पूरे को सिलाई लगाना है। इसी तरीके से पूरे को सिलाई लगाना है। तो कुछ इस टाइप से हमने एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब चलिए दूसरी साइड वाली स्टार्ट करते हैं। तो इधर वाली हमने लगा लिया, अब इधर से इसी टाइप से बर्फी को बनाते जाना है। इसी टाइप से सब तरफ से बनाते जाना है। इसी तरह सिलाई को घुमाते घुमाते बनाना है। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से यह बन गया है, काफ़ी प्यारी लग रही है बनने के बाद। अब इसको अपने साइज़ से फिट कर लीजिए, जितना साइज रखना है आप पोछा को। तो चलिए फिट करते हैं, इसको फिट किया जाए। तो हम इस तरीके से रख लेंगे और इसको डबल करेंगे ये इस तरीके से, और इसको ये कली से ये कली को हम मिलाएंगे। कभी भी हमारा दोनों कली बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमें मिलानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस टाइप से हमने मिला लिया ये। अब क्या करना है, इसको फिट देखना है कितना इंच पे रखना है, तो वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी फिटिंग रखनी है 7.4 इंचेज, तो वो हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ 7 पॉइंट, यहाँ 4 इंचेज हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको फिट करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, तो देखिए इस तरीके से लिए और यहाँ से फिट कर लेते हैं। जितना चाहे आप फिटिंग कर लें, कम ज़्यादा आप रख सकते हैं अपने साइज से, जैसा आपको पसंद हो। और इस तरीके से फिट कर लेते हैं, इसी तरीके से पूरे को फिट कर लेंगे हम। तो ये हमने फिट कर लिया है, एक्स्ट्रे वाले को हम कट कर लेंगे यहाँ से कुछ इस टाइप से। तो ये हमने एक्स्ट्रे वाले को कट कर लिया, इसी टाइप से हम दोनों पोछा बनाएंगे। तो एक और बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक रेडी है, हमने दोनों बना लिया है। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइनिंग लग रहा है, सिंपल सा सोभर सा, देखिए कितना प्यारा है। इस तरीके से सिंपल और इजी आप घर में बना सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा लगता है सिंपल में ही, ये पोछा डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमने पटियाला बनाई है, सेमी पटियाला है, ज़्यादा घेर नहीं है। हमने जैसा सूट पीस में मिलता है उतना ही कपड़ा में हमने इसको बनाया है। तो इस तरीके से हमने दोनों रेडी कर लिया है। तो ये कैसा लगा आपको सलवार का मोहरी पोछा डिज़ाइन, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। सिंपल में ही बहुत खूबसूरत है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। बिगनर्स से जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे पिक पोस्ट करती रहती हूँ। तो हमारे इंस्टा आईडी है amazingstyle14, तो आप जल्दी से जाइए वहाँ फॉलो कीजिए। और कुछ पूछना है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या कोई डिज़ाइनिंग बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप DM कर सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।